रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेस्टर्न ब्लॉग्स पे आपको वेलकम किया जाता है। तो आज माशाल्लाह से रमजान है, पहला रोजा है, तो हम करने लगे हैं सहरी। तो मैंने सोचा इधर से शुरू करते हैं सहरी। तो एक रोटी बन गई है, हम सहरी तैयार कर रहे हैं। और ये देसी घी है जो मैंने रोटी के ऊपर लगाया है, ठीक है। रोटियां बना रही हूँ मैं, ये देसी घी है। और एक रोटी बन गई है, तीन रोटियां बनाऊंगी आमना और मैं और उसके बाबा एक एक रोटी खाते हैं, तो फिर देसी घी की बनाऊंगी, ठीक है। आमना तुम देसी घी वाली खाओगी? मैं रोस्ट खाऊंगी। रोस्ट खाएगी तो ये रोस्ट बना लेती हूँ, वो भी देसी घी वाली बना लेती हूँ। दो बनाओ रोस्ट। नहीं, दो देसी घी वाली बना लेना, ये वाली कर लेती हूँ, ठीक है। आज थोड़ी सी जल्दी हो गया है, लेट हो गया थोड़ा सा, क्योंकि टाइम का पहले पता नहीं चलता, पहले दो दिन नहीं सही से पता चलता, और इसकी वजह से फिर थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। तो जल्दी जल्दी है तो ये दही है, और मैंने आज पहली दफा जमाया तो माशाल्लाह से सही जम गया। इसकी अब लस्सी बनानी है, लस्सी बनानी है इसकी। हाँ, थोड़ी सी लस्सी बना लो अपने लिए और बाबा के लिए और मेरे लिए। मैं रोटी बना रही हूँ, रोटी बन चुकी है, तकरीबन दो रोटियां बन गई हैं, एक रह गई है और आमना बनाने लगी है। पहले इसके अंदर जाल के अंदर डालो, दही डालो, जितना चार ग्लास बन जाए, तकरीबन चार ग्लास बन जाए। हाँ, माशाल्लाह से दही बहुत अच्छा तैयार हो गया। थोड़ा सा वो डालो, नहीं इधर से डालो ना, उधर से रहने दो, लस्सी ना बनानी है। दही डाला है इसके अंदर, अब हम चीनी डालेंगे एक चम्मच बाट के, मीठी लस्सी बनाने लगी है आमना, ठीक है। अब पहले पानी डालेगी दही के अंदर और चीनी डालेगी तो फिर लस्सी बन जाएगी। और इधर मैं परांठा बना रही हूँ। हाँ डालो, बाट के डालो, शाबाश। बस अब एक चम्मच बाट के चीनी का डालो, बना रही है। और इधर मैंने आमना के लिए अंडा तैयार किया है, ठीक है। आमना ही खाती है तो इसलिए आमना के लिए तैयार किया है। और इधर लोबिया गरम कर रही हूँ, रात को हमने लोबिया और चावल बनाए थे, ठीक है। और ये लोबिया है और लोबिया भी गरम करती हूँ, सास सहरी में ये भी खाएंगे, खाएंगे पियेंगे और दिखाते हैं आपको क्या क्या हमने तैयार किया है सहरी में। ये सालन है आमना और उसके बाबा और मेरे लिए, ठीक है। प्लेट बड़ी में डाल लेते हैं। सुबह दिल नहीं करता खाने को क्योंकि पहला दिन है और सब रात को खाना वाना खा के सोते हैं और काफ़ी देर हो जाती है सोते सोते, तो फिर अभी इतना भूख नहीं लगती सबको। और यहाँ सहरी लग चुकी है, ये पराठे हैं, ये सालन, दही, अंडा, लस्सी और सारा कुछ लग चुका है। तो माशाल्लाह से सहरी हमारी तैयार हो गई है, ठीक है। ये मैंने चावल रखे हैं, ये खिचड़ी बनाई थी रात को, और ये लस्सी है, और इधर रोटियां पड़ी हुई हैं, और ये सालन है लोबिया का, लाल लोबिया आता है वो है, और ये दही है, अंडा पड़ा हुआ है, उधर लस्सी पड़ी हुई है, और इधर आमना बैठने लगी है। तो हम करने लगे हैं सहरी, आ जाए आप भी सहरी कर लें। और कमेंट पर आपने ज़रूर बताना है कि आज की सहरी आपको कैसी लगी और आप कैसे सहरी कर रहे हैं, अपना भी आप कुछ बताइएगा कमेंट में ज़रूर, ठीक है। तो हम करते हैं सहरी, सहरी के बाद हम आपसे थोड़ी सी गपशप करेंगे। की टाइम है 48 मिनट। लस्सी खत्म हो गई, थोड़ी सी रह गई है, चल जल्दी खाओ, सारी रोटी खानी है।
मैं चावल खाने लगी हूँ और रोटी खा चुके हैं सब, और अब मैं खाना खाने लगी हूँ। तो रोटी छोटी खा ली है, इधर दोनों भाई सो रहे हैं और आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं, ठीक है। और अंधेरा आप देख सकते हैं, बाहर का माहौल भी आपको दिखाते हैं। हाँ थोड़ी सी करनी है आपने, ठीक है। अंधेरा है बिल्कुल भी, अजानें हो रही हैं, रोज़ा बंद हो चुका है और अजान हो रही है, ठीक है। अजान के बाद आपको अल्लाह हाफिज़ कहती हूँ। अजान हो चुकी है तो मैं दिखाती हूँ आपको बाहर से, अभी अंधेरा है देख सकते हैं आप। माशाल्लाह हवा ठंडी ठंडी आ रही है और हमारी गली और माशाल्लाह से मौसम बहुत प्यारा हो गया है। इधर इनका दरवाज़ा लग गया, पहले नीथा लगा हुआ, तो ठंडी ठंडी हवाएं जा रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन बाहर इतनी देर नहीं खड़ा हो सकती, इसको लॉक करते हैं और आज की वीडियो इधर ख़त्म करते हैं। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की सहरी आपको अच्छी लगी हो तो आपने ज़रूर बताना है, ठीक है। तो हम मिलेंगे अब अफ्तारी में, तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।